हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको एक चीज बहुत बहुत जरूरी चीज आपको मैंने बताई थी पिछली पिछली क्लास में, टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे काम करती है वो मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में हम लोगों ने ये मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है ये हमने डिराइव कर दिया था। अब आप इस एक्सप्रेशन से ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है ये कौन से पैरामीटर पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है। एक तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड आपकी कॉन्स्टेंट रहती है यूजली, अगर फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है सिंक्रोनस स्पीड कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसी अगर कॉन्स्टेंट है तो सिंक्रोनस स्पीड किसी मशीन कॉन्स्टेंट हो जाएगी। आप इस चीज में देखेंगे कि एक तो ये वोल्टेज पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, और एक और चीज देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। कहीं पर भी आरटीएच में बेसिकली स्टेटर रेजिस्टेंस आता है, एक्सटीएच में स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस आता है, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, X2A ये रोटर लीकेज रिएक्टेंस है। लेकिन आप यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में देखोगे कहीं पर भी आर टू नहीं है, मतलब कि इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो मैक्सिमम टॉर्क जो डेवलप होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लेकिन वो स्लिप मैक्सिमम टॉर्क पे, मैंने आपको बोला था स्लिप क्या होती थी, अल्फा, ये अल्फा होती थी स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, सो दिस इज योर अल्फा। लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज डिपेंडेंट ऑन रोटर रेजिस्टेंस। आप देखोगे ये स्लिप जहां पर मैक्सिमम, ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्सिमम कौन से स्लिप पे आकर हो रहा है, एस इक्वल्स टू अल्फा पे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है ये रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये स्लिप कौन से स्लिप पे ये मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा ये रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, और वो हम यहां से इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू आर टू डैश डिवाइडेड बाय दिस, और ये रोटर रेजिस्टेंस हो गया। तो द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज डिपेंडेंट ऑन द रोटर, बट मैक्सिमम टॉर्क इटसेल्फ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये टॉर्क जो है मैक्सिमम टॉर्क कौन से वो ये कौन सी चीज पर डिपेंडेंट है, बेसिकली ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वोल्टेज जो है वो अगर मैं हाफ कर दूं, रिड्यूस टू हाफ करूं, अगर मैं वोल्टेज को मैंने हाफ रिड्यूस किया तो टॉर्क क्या हो जाएगा। अगर बाकी सारी चीजें अगर मैं मानूं कि अज्यूम करूं कि कांस्टेंट है और अगर मैं वोल्टेज को हाफ से रिड्यूस करता हूं तो टॉर्क मेरा 1/4 हो जाएगा। यही चीज आपको ये दिखा रहा है। सपोज ये लो टॉर्क था और आपका ये पहले इनिशियली ये कर्व ये था जिसमें टी मैक्सिमम इतना डेवलप हो रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें वोल्टेज को जो है ये V1 वोल्टेज के हिसाब से ये कर्व बना था टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये बोल रहे हैं अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस करते हो सपोज V1 बाय 2, तो V1 बाय 2 के हिसाब से ये वाला कर्व बना हुआ है, सबसे नीचे वाला कर्व, ये V1 बाय 2 पे अगर वोल्टेज रिड्यूस कर देते हो तो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 1 मैक्सिमम टी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जो मैक्सिमम टॉर्क, अगर आपने वोल्टेज ऐसा रिड्यूस कर दिया V1 बाय 2, तो मैक्सिमम टॉर्क ही जो है आपका वो TL से कम आ गया। ये देखिए टी लोड इतना था, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो सकता है वो ही लोड टॉर्क से कम हो गया। तो यानी कि ये मोटर, इस टाइप की मोटर अगर V1 बाय 2 वोल्टेज देके अगर मैं मोटर को स्टार्ट करूं तो इस टाइप की मोटर कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम टॉर्क ही लोड टॉर्क से कम है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है कि कौन सा कितना वोल्टेज रिड्यूस करना है, कितना क्या करना है, ये सब चीजें, ये वोल्टेज पर डिपेंडेंसी बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि वोल्टेज रिड्यूस करने से कैसे मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बोली थी कि स्टार्टिंग टॉर्क के क्या क्या रोल रहता है, रोटर रेजिस्टेंस का क्या रोल रहता है। मैंने आपको बोला था कि रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से हम स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, उससे क्या फायदा हो रहा था कि हम डायरेक्टली ऑन लोड मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी मशीन पे, किसी मोटर पे ऑलरेडी शाफ्ट पे लोड पड़ा है, अब आपको डायरेक्टली उसको स्टार्ट करना है तो उसको आप रोटर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा डाल के उसको स्टार्ट कर सकते हो, ताकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क, रोटर रेजिस्टेंस बेसिकली ऐड करने से क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यही इसमें ये बताया है स्टार्टिंग टॉर्क का क्या रोल है। तो यहां से आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला था कि जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती रोटर रेजिस्टेंस पे, लेकिन द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, वो स्लिप जहां पर मैक्सिमम टॉर्क अकर करता है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। अब सपोज मैंने रोटर रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर लिया, और मैंने आपको बोला था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में ऐड हो सकता है, स्लिप, सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हो सकता है।
तो सपोज मैंने क्या किया कि ये एक्सटर्नल आर टू एक्सटर्नल मैंने रोटर रेजिस्टेंस में ऐड कर लिया, तो अब नया जो रोटर रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर टू डबल डैश, लेट से नया जो रोटर रेजिस्टेंस होगा वो आर टू डबल डैश होगा, तो अल्फा जो न्यू होगा वो पुराने वाले अल्फा से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि पुराना वाला अल्फा तो केवल आर टू डैश डिवाइड बाई ये डिनोमिनेटर था, नया वाला अल्फा आर टू डैश प्लस आर टू डैश एक्सटर्नल हो गया, तो आर टू डैश आर टू डबल डैश ऑब्वियसली आर टू डैश से बड़ा है, तो अल्फा न्यू जो है वो भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो मैक्सिमम, मैंने आपको बोला था रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से मैक्सिमम टॉर्क जो है उस पर फर्क नहीं पड़ता, तो आप देखो मैक्सिमम टॉर्क हर जगह सेम है, इस पूरी लाइन में मैक्सिमम टॉर्क सेम है, पहली नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ये रही, ठीक है। दूसरी नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैंने रोटर रेजिस्टेंस आर टू डैश कर दिया, मतलब पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू डैश में प्लस आर टू एक्सटर्नल मैंने एक और ऐड कर दिया, तो उसको आर टू डबल डैश हो गया, फिर मैंने और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ऐड किया आर टू ट्रिपल डैश हो गया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया तो आर टू फोर डैश हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो मैंने देखी, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप एक चीज देखोगे कि जो मैक्सिमम टॉर्क है ये सब में सेम है, लेकिन द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो सब में चेंज हो जाएगी। जैसे आर टू डैश के केस में जब सिर्फ आर टू डैश जब हम लेते थे तब जो मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू थी वो अल्फा थी, ये देखिए इस टी मैक्सिमम में अल्फा वैल्यू थी, अब जब आपने रेजिस्टेंस आर टू डबल डैश कर दिया अब जब स्लिप की अब आपकी स्लिप की वैल्यू होगी अल्फा वन, फिर आर टू ट्रिपल डैश कर दिया अब आपकी स्लिप की वैल्यू होगी अल्फा टू एंड सो ऑन, अब आप ये आर थ्री डबल डैश ये जो आर फोर टाइम्स आर टू फोर डैश आ गया, आर टू फोर डैश ये रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस है जिसपे जो आपका जो जो अल्फा की वैल्यू है वो एस इक्वल टू वन हो जा रही है। यानी कि अब देखो एक चीज और देखो, पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे जा रही थी, यहां से आके ये यहां पर उसका पहला स्टार्टिंग टॉर्क पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना था, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया तो आपने देखा कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ तक होगा, चलो नहीं वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये आके ये यहाँ तक आ गई, तो आपने देखा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से ये स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तीसरे नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ आ रही है तो तीसरा स्टार्टिंग टॉर्क ये हो गया, चौथी नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ आ रही है तो चौथा स्टार्टिंग टॉर्क ये हो गया, जो यहाँ से ये जो इस लाइन को जो क्रॉस करता है वो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, तो आपका आप देखो कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो वैसे वैसे आपकी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है, तो आपने आपने देखा कि इस मशीन में मान लो मेरा एक्सटर्नल लोड जो था वो टीएल लोड मैंने अप्लाई कर रखा था और इनिशियली मेरा आर टू डैश मेरा रेजिस्टेंस था, तो मैंने देखा कि आर टू डैश जब रेजिस्टेंस था तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क था वो इतना था, वो ऑब्वियसली लोड टॉर्क से कम था, तो इस मशीन को मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि लोड टॉर्क मेरा स्टार्टिंग से ज्यादा है, अगर इस मशीन को मेरे को चलाना है तो या तो मैं क्या करूं कि इस लोड टॉर्क को हटा दूं, इसको नो लोड पे चलाऊं, फिर मैं वापस से लोड टॉर्क जोड़ू और फिर वो वही पुराना काम हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंट स्पीड आ जाएगी इधर, लेकिन अगर मेरे को डायरेक्टली स्टार्ट करना है इसी लोड के साथ ऑन लोड स्टार्ट करना है मशीन को तो मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या किया धीरे धीरे रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, R2 डबल डैश अगर रेजिस्टेंस आया तो मैंने देखा कि इसमें भी स्टार्टिंग टॉर्क उससे लोड टॉर्क से कम है तो अभी भी स्टार्ट नहीं होगी, फिर मैंने और रेजिस्टेंस एंटर किया, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस एंटर किया तो मैंने देखा कि मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो अब इतना है यहां से लगा के यहां तक, तो यानी कि अब मेरा स्टार्टिंग टॉर्क जो है मेरा लोड टॉर्क से ज्यादा हो गया, तो मेरा मशीन जो है वो यहां से एक्सेलरेट करके आएगी और यहां पर आके एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगी, ये समझ में आ गई ये बात, और या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं रोटर रेजिस्टेंस इतना बढ़ा दूं कि मैं जो स्टार्टिंग में ही जो मेरा टॉर्क मिल रहा है जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मेरा मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो गया, जब इस केस में आर टू फोर डैश के केस में आप देखो कि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इस लाइन को कट करने वाला ये लाइन यहाँ कट कब कट कर, ये लाइन जहां कट कर रही है इस लाइन को वो है, तो स्टार्टिंग टॉर्क ही आपका मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो गया, मैंने इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया कि मेरे को स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ये ऐसा भी कर सकते हैं, आई बात समझ में, कुल मिला के ये आपको बस एक तरीका है कि बताने का कि कैसे रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है ताकि आप मोटर को ऑन लोड स्टार्ट कर सको, ये सुविधा केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही अवेलेबल है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से सुनना, स्क्विरल केज में अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्विरल केज में हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ ही नहीं सकते, मेरी बात समझ में आ रही, अब आपने देख लिया कैसे रेजिस्टेंस ऐड करने से जो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वो इंक्रीज हो रही है, देखिए ये स्लिप पहले अल्फा था फिर अल्फा 1 आर टू डैश के लिए अल्फा 1 फिर अल्फा 2 और आपको पता है कि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा क्यू, लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो स्लिप इंक्रीज हो रही है, तो आपको ये चीज उन्होंने बताया, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, और फिर जब अच्छा
अब आपने जब ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने के साथ एक बार स्टार्ट कर लिया, तो अब आपको पता है कि हमको जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा ये रेजिस्टेंस आपको एड ऑन नहीं रखना है। अब जो एक बार मोटर आपकी रोटेट होने लग गई, सपोज इस स्पीड पे और इतनी स्पीड पे वो कंटिन्यूसली मोटर आपकी घूमने लग गई, रोटर घूमने लग गया ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास या कुछ भी जो है, मान लो 1500 था सिंक्रोनस स्पीड, तो ये सपोज 1400 या 1350 स्पीड पे ही घूमने लग गया। तो एक बार ये घूमने लग जाता, अब आप इस रोटर रेजिस्टेंस को हटा दो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि अब अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को आपने नहीं हटाया, तो रोटर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा, ये रोटर रेजिस्टेंस की वजह से एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे हैं आपके, ऑब्वियसली एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा ये। आई बात समझ में? तो ये रोटर रेजिस्टेंस का ये डिसएडवांटेज है। तो इसको क्या करना होता है, केवल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कंडीशंस जहां पर आपको ऑन लोड मशीन को स्टार्ट करना है और जहां पर लोड स्टार्टिंग टॉर्क से ज्यादा हो, फिर भी आपको ऑन लोड ही स्टार्ट करना है, ऐसे केसेस में हम एडिशनल रेजिस्टेंस डालते हैं केवल स्टार्टिंग के लिए, और फिर जैसे ही वो मोटर स्टार्ट हो जाती है हम उस एडिशनल रेजिस्टेंस को हटा देते हैं ताकि वो आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे मोटर की। तो जैसे ही आप ये एडिशनल रेजिस्टेंस हटा दोगे, तो मैंने आपको बोला कि स्क्विरल केज में जैसे ही हम एडिशनल रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, तब वो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वो एज ए स्क्विरल केज मोटर ही काम करती है। रनिंग कंडीशन में जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वो भी ऑलमोस्ट स्क्विरल केज के जैसे ही काम करती है। आई बात समझ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी आपको मैंने बता दी टॉर्क की। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप देख लो चाहे कितना भी रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, मैक्सिमम टॉर्क हमेशा सेम आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है और स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स ये रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस रोटर रेजिस्टेंस का आपको आप देखोगे कि एक तो इसका ये रोल है स्टार्टिंग पर्पस में, आप देखोगे कि रोटर रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम वो आगे पढ़ेंगे। और आप आज का लेक्चर में थोड़ा सा हल्का सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पिछला लेक्चर हमने लंबा बोला था लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज के लाइट चली गई थी एक्चुअल में तो ठीक है, अब लाइट आ गई है तो आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा लंबा करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने कुछ नहीं अपनी राइटिंग में इसी चीज का एक्सप्लेनेशन लिखा है जो मैंने अभी बोला है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक चीज पढ़ूंगी, ये हमको पढ़ना है स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था इंडक्शन मोटर्स आर ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। क्यों ऐसा बोल दिया सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, क्योंकि एक बार इंडक्शन मोटर, कोई भी इंडक्शन मोटर है, उसका मैंने स्टेटर को मैंने सॉकेट में जैसे ही डाला, लाइट आई, अब उसको और कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, अब वो अपना आप घूमेगा, अपना आप वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, अपना आप करंट फ्लो होने लगेगा, अपना आप एक टॉर्क जनरेट होगा और रोटर घूमने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर नहीं होता, उसमें आपको एडिशनल डीसी सप्लाई एक देनी पड़ती है तभी वो मोटर घूमता है, वो हम जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तब आप वो देखोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, थ्री फेज इंडक्शन मशीन इज ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, उसमें कुछ सीन है, उसका एक इसको एक जग देना पड़ेगा तब होगा। मैंने आपको एक बार सिंपली बोला था कि एक आपका जो पंखा है छत पे, उस पंखे में सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है। कई बार क्या हो जाता है, जब बोलते हैं कि आपके पंखे को पंखा चल नहीं रहा है, आपने सडनली उसको एक जग दिया, एक लकड़ी से मारा है उस पंखे को, अब वो चलने लग गया, तो आप क्या बोलते हो, मिस्त्री आपको आके बोलता है कि भाई इसका कैपेसिटर चेंज करवा लो, मशीन ये चलने लग जाए, कैपेसिटर खराब हो गया, तो वो कैपेसिटर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिसको उससे स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। एक बार स्टार्टिंग घूमने लग गया फिर वो रनिंग कंडीशन में नॉर्मली घूमेगा, टॉर्क जनरेट होगा। ये सब चीजें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के समय पढ़ेंगे, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग को हमको पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि होता क्या है कि अगर हम रेटेड वोल्टेज पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं सपोज, तब दिक्कत हम ये देखी लोगों ने कि एट स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उस समय क्या होता है कि थ्री फेस इंडक्शन मशीन जो है बहुत जबरदस्त हाई करंट ड्रॉ करता है, बहुत हाई करंट सप्लाई से खींचता है, बहुत ज्यादा बड़ा करंट होता है स्टार्टिंग में। जो स्टार्टिंग करंट होता है वो रेटेड करंट का 2 to 5 times या 5 to 8 times जो है आपका रेटेड करंट होता है। ये सेम जो आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था वही तरीका है, वही बात है कि एट स्टार्टिंग
बहुत ही ह्यूज करंट जो है आपके इसमें से फ्लो होता है इंडक्शन मशीन में से। एक सेकंड, अब बात आ जाती है कि उससे होगा क्या। अगर स्टार्टिंग में इतना हाई करंट फ्लो हो रहा है तो उससे दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है ठीक है, हाँ तो हम क्या थे, अब मैं आपको बोल रहा था कि स्टार्टिंग में अब क्या होता है कि इंडक्शन मशीन जो है वो बहुत ही जबरदस्त हाई करंट ड्रॉ करता है। वो क्यों करता है कि मैंने आपको बोला था, जब सपोज एट स्टार्टिंग की वैल्यू स्लिप की, अब वो आप इक्विवेलेंट सर्किट्स में देखोगे, इक्विवेलेंट सर्किट में स्टार्टिंग में जो स्लिप की वैल्यू होती है, जब नो लोड पे आपका इंडक्शन मोटर घूम रहा होता है, स्लिप की वैल्यू बहुत ही क्या होती है, एट नो लोड स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है आपकी स्लिप की वैल्यू। तो वहां से ये होता है कि जब जैसे ही आप हाई फुल्ली रेटेड वोल्टेज अगर आप अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही ह्यूज जो करंट है वो एक फ्लो, मतलब ह्यूज करंट 3 to 5 times रेटेड करंट या 5 to 8 times जो है रेटेड करंट आपका फ्लो होता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी मशीन आपकी इंडक्शन मशीन जुड़ी हुई है सप्लाई से, मान लो ये ग्रिड से इंडक्शन मशीन में करंट आ रहा है, अब उसी लाइन में आप जैसे एक किसी लाइन से आपके घर में बिजली आ रही है, आप इंडक्शन मोटर चला रहे हो, ठीक है, अब वही वो उसी तार से उसी वायर से उसी सिंगल फेज लाइन से कोई और आपके पड़ोसी के घर के भी लाइटें चल रही है, उनके पड़ोसी के घर के भी और भी बहुत सारे लोगों की लाइटें चल रही है। अब आपने जब इतना ह्यूज करंट, आपने इंडक्शन मोटर अगर रेटेड वोल्टेज पे स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही ह्यूज करंट ड्रॉ करता है, तो इतना हाई करंट जब वो विड्रॉ करेगा तब क्या होगा कि वो हाई करंट जो है वो एक सोर्स इंपेडेंस नामक चीज होती है। मैं वही डायग्राम एक्चुअल में ढूंढ रहा था, मैं इसमें आपके वो डायग्राम डाला कि वो एक सोर्स इंपेडेंस की तरफ इतना हाई ड्रॉप हो जाता है, उसकी वजह से एक वोल्टेज डिप आ जाती है। क्या होता है वो आपने देखा होगा, जैसे आप घरों में कभी एक मिक्सी ऑन करते हैं आपकी या मोटर ऑन करते हैं तो एकदम से लाइट एकदम डिम हो जाती है, ठप से लाइट डिम हो जाती है या एकदम आप देखिए लाइट जब करती है, वो उसको बोलते हैं वोल्टेज डिप। क्या होता है वोल्टेज हाई, स्टार्टिंग करंट इतना हाई होता है कि वो आपके जो घरों का जो वोल्टेज है उसको गिरा देता है, सोर्स इंपेडेंस के अक्रॉस इतना ड्रॉप हो जाता है ज्यादा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सोर्स इंपेडेंस की वैल्यू बहुत कम होती है और वो करंट की भी रेटेड करंट होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो ड्रॉप बिल्कुल मायने नहीं करता, तो बिल्कुल नॉर्मल वोल्टेज आपको मिल जाता है। लेकिन अगर हाई, बहुत ही जबरदस्त हाई रेटेड स्टार्टिंग करंट आ गया तो वो करंट इतना ज्यादा हो जाता है, तो अब वो जो ड्रॉप है सोर्स इंपेडेंस के अक्रॉस वो मैटर कर जाता है और उसकी वजह से एक वोल्टेज डिप आ जाता है आपके लोगों में। तो आपके तो कुछ नहीं क्योंकि आपने इंडक्शन मोटर स्टार्ट की, तो आप तो बियर करो जो करो, लेकिन आपके जो पड़ोसी है जिसकी बेचारी कोई गलती नहीं है, आपने उसके वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया, उसकी उसकी बिजली एकदम से कम हो गई, वोल्टेज में डिप आ गया, उसकी वजह से खूब सारे नुकसान हो सकते हैं, चीजें उड़ सकती है या चीजें खराब हो सकती है, डेटा लॉसेज हो जाते हैं, काफी सारी वोल्टेज डिप्स के अपने एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये दिक्कत आती है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर को रेटेड वोल्टेज पे स्टार्ट करने के। तो इसलिए कहते हैं इंडक्शन मोटर को हमेशा जो है आपको वो आपको मतलब रिड्यूस्ड वोल्टेज पे जो है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपके जो छोटी इंडक्शन मशीन्स होती है उसमें बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम ज्यादा काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फेनोमेना है ये इसको बोलते हैं एक इनरश फेनोमेना है, मतलब बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए ये फेनोमेना होता है। जो हाई ह्यूज करंट फ्लो होता है ना, जो एकदम से आपकी सप्लाई से ह्यूज करंट किसी ने ड्रॉ किया मशीन ने, वो छोटे से इंटरवल के लिए होता है, इसको बोलते हैं इनरश करंट। इनरश करंट आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में, इनरश करंट बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि छोटे से टाइम के लिए क्यों होगा, सपोज एक आपकी इंडक्शन मशीन है, ठीक है, आपने करंट ड्रॉ किया, ह्यूज करंट ड्रॉ किया स्टार्टिंग में, तो एकदम से एक्सेलरेट हुआ। तो मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेट जैसे ही होके वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंच जाएगा, तो स्लिप की वैल्यू ऑलमोस्ट, रोटर की स्पीड ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास हो जाएगी, तो स्लिप की वैल्यू एकदम से बिल्कुल कम हो जाएगी, हो जाएगी ना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्लिप की वैल्यू नो लोड पे तो बिल्कुल जीरो ही होती है ऑलमोस्ट, मतलब
लो लोड पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड के ऑलमोस्ट आसपास हो जाती है, तो स्लिप की वैल्यू ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगी। स्लिप की वैल्यू इतनी रिड्यूस हो जाती है तो इंड्यूस्ड, जैसे स्लिप इतना कम हो जाएगा तो उसका इंड्यूस्ड वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा, तो आपका करंट रिड्यूस हो गया, तो इसको बोलते वो उस मोटर पे वो एकदम से डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही आपकी बड़ी इंडक्शन मोटर है, तो बड़ी इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि वो जो आपका स्टार्टिंग करंट जो आप ड्रॉ करोगे वो इनरश नहीं होगा, क्योंकि अब जो बड़ी इंडक्शन मोटर है वो एकदम से एक्सेलरेट नहीं होगी, वो उसको उसके इनर्शिया इतना ज्यादा होगा कि वो धीरे धीरे घूमने लगेगी रोटर, और वो जब धीरे धीरे इतना घूमेगी वो स्लिप कम होगी होगी, उतने में वो बहुत ज्यादा वोल्टेज डिप हो जाएगा लोगों के, और उतने ड्यूरेशन में काफी लॉसेज हो जाएंगे। अगर छोटी इंडक्शन मशीन है तो वो तो क्या होगा, अगर इतना हाई करंट आया तो एकदम से एक्सेलरेट होगी तो स्लिप एकदम से कम हो गई, जैसे स्लिप एकदम से कम होगी तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कम हो गया और आपका इंड्यूस्ड आपका करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो वापस सिचुएशन नॉर्मल होगी। लेकिन अगर बड़ी इंडक्शन मशीन है तो इनर्शिया के कारण वो बहुत ही ये जो इफेक्ट होगा, जो स्लिप जो है वो रेटेड स्पीड पर जो पहुंचेगी इंडक्शन मोटर उसमें टाइम लगेगा, रेटेड स्पीड पे पहुंचते पहुंचते उसको टाइम लगेगा इनर्शिया के कारण, इतनी भारी मशीन घूम रही है, भारी रोटर घूम रहा है तो उसको टाइम लगेगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या हो जा रहा था, वोल्टेज डिप प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत ही ज्यादा नुकसान। यही चीज मैंने यहाँ पर बोला है कि स्टार्टिंग मेथड्स आर यूज्ड टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अ रिक्वायर्ड वैल्यू, इफ रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग स्टार्टिंग इट इज सिमिलर टू अप्लाइंग, ये आप इसको आप रीड कर सकते हो ट्रांसफार्मर में और ये इंडक्शन मोटर में सिमिलर है, तो इसलिए बोलते हैं कि रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग जो है ये हमारा एक बहुत ही इंडक्शन मोटर को रिड्यूस्ड वोल्टेज पे ही स्टार्ट करते हैं। अब ये देयर आर डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ एन इंडक्शन मशीन, एक होते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मतलब पहला वाला, ये आप सब पढ़ लोगे, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मतलब डायरेक्ट सॉकेट से आपने इंडक्शन मशीन जोड़ी, रेटेड वोल्टेज डायरेक्ट रेटेड वोल्टेज पे स्टार्ट कर दिया, जबकि मैंने आपको क्या बोला था इंडक्शन मशीन को हमेशा लोअर वोल्टेज रिड्यूस्ड वोल्टेज पे स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर रेटेड वोल्टेज पे इंडक्शन मशीन को स्टार्ट कर रहे हो तो फिर वोल्टेज डिप की दिक्कत आती है, दूसरे लोगों के घर में बिजली एकदम से डिप होगी, क्योंकि मैंने बोला था ह्यूज करंट ड्रॉ करेगा और सोर्स इंपीडेंस का क्रॉस ड्रॉप इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोगों के घर में डिप वोल्टेज डिप की दिक्कत आ जाएगी, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग बिल्कुल सुटेबल नहीं है स्टार्टिंग मेथड। लेकिन हाँ, ये कहाँ सुटेबल है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, मैंने आपको बोला था जहां पर मशीनें छोटी हो, जिनके साइज बिल्कुल छोटी मशीन हो, लो पावर मशीन हो, क्यों, क्योंकि जो छोटी मशीन का इनर्शिया बिल्कुल कम होगा, तो जैसे ही आप इतना ह्यूज करंट ड्रॉ करोगे तो वो एकदम से एक्सेलरेट होके आपके रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगी, और रेटेड स्पीड पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, जैसे ही रेटेड स्पीड पे पहुंचेगी तो स्लिप की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू कम होगी तो रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो रोटर करंट कम हो गया तो आपका नुकसान होने से बच गया, वो ड्रॉप है सोर्स इंपीडेंस का क्रॉस वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी मशीन हुई तो मैंने आपको बोला इनर्शिया के कारण रेटेड स्पीड पे पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है और वो सब नुकसान करते हैं, तो एक मेथड तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग जो कि इतना अच्छा नहीं है, केवल छोटी मशीन के लिए ये अच्छा है। दूसरा मेथड है कि स्टेटर रेजिस्टेंस ऑब्लिक रिएक्टेंस स्टार्टिंग, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब इसका सिंपल तरीका है कि स्टेटर साइड में आप रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जोड़ देते हैं, उससे क्या होगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का क्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, तो इंडक्शन मशीन के जो कॉइल्स है, जो स्टेटर की जो कॉइल है उनमें एक रिड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, जो स्टेटर साइड में जो थ्री फेज वाइंडिंग आपने जोड़ रखी ना उसमें क्या होगा एक रिड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज पे स्टार्टिंग कर लेंगे तो रिड्यूस, अगर वोल्टेज कम हो गया तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो आपके जो सोर्स इंपीडेंस का क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा था वो नहीं होगा, तो वोल्टेज डिप वगैरह ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हमको मेन मकसद क्या है इंडक्शन मोटर में स्टार्ट करने में, जो रेटेड करंट है उसको कम करना है, तो ये हमने कर दिया, स्टेटर रेजिस्टेंस पे आप रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और ये हो जाए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग ये भी सेम यही करता है, क्या करता है कि जो प्राइमरी साइड जो स्टेटर साइड में जो वोल्टेज आ रहा है उसको ये रिड्यूस कर देगा, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करके आप स्टेप डाउन कर सकते हो और वो वोल्टेज रिड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो स्टेटर के थ्री फेज वाइंडिंग में रिड्यूस्ड रोटर वोल्टेज में रिड्यूस्ड वोल्टेज देगा, ताकि लो करंट वो मतलब लो करंट फ्लो हो उसके थ्रू और फिर बाद में धीरे धीरे उसको हम इंक्रीज कर सकें। एक बार रेटेड स्पीड पे पहुंच गया फिर इंक्रीज करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज अब आपका स्लिप टाइम्स इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया रोटर में और स्लिप की वैल्यू रेटेड वोल्टेज में पहुंचे स्लिप की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ये सब चीजें। चौथा मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, कुछ नहीं है सेम वही मेथड है, क्या मेथड है कि आपको पता है कि स्टार कनेक्शन का क्या रोल रहता है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है जो फेस वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में वो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट थ्री, यानी कि जो भी लाइन में जो करंट वोल्टेज है उसको रूट थ्री टाइम्स रिड्यूस करके फेस में गिरा देता है। तो अब इस मोटर में क्या करते हैं बेसिकली आप
कि जो भी आपकी इंडक्शन मशीन है उसमें जो थ्री फेज से जो सॉकेट से जो जो लाइन वोल्टेज आ रहा है वो आप इंडक्शन मशीन को पहले के स्टार साइड में स्टार कनेक्टेड कर देते हो। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हो रही है मशीन तब आप उसको स्टार कनेक्टेड कर दोगे, तब क्या होगा स्टार कनेक्टेड होने से क्या होगा जो लाइन वोल्टेज में हाई रेटेड वोल्टेज आया, अब आपने उसको रेटेड वोल्टेज डिवाइड बाय रूट थ्री इतना आपका फेस वोल्टेज में गया रोड वाइंडिंग में, तो आपका रिड्यूस वोल्टेज हो गया। रिड्यूस वोल्टेज पे आपने स्टार्टिंग कर दी, एक बार जब मोटर घूमने लग जाएगा जब रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगा जब स्लिप की वैल्यू कम हो जाएगी, अब आप उस स्टार कनेक्शन को एक स्विच होता है उसके थ्रू उस स्टार कनेक्शन को आप डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर दोगे। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है जो भी लाइन वोल्टेज रहता है वो फेस वोल्टेज रहेगा, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों सेम है, तो डेल्टा वोल्टेज में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, अब उसको आप डेल्टा वोल्टेज में ही रन करो। ये बेसिकली कुछ नहीं है, पहले चारों मेथड जो है ये बोलते हैं कि चारों मेथड ये स्क्विरल केज के लिए एप्लीकेबल है चारों मेथड। क्यों? अब आपने ये बोला इन सब में है क्या एक ही चीज कॉमन है कि आपको वोल्टेज को रिड्यूस करना है, रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करना है, क्योंकि वोल्टेज को रिड्यूस करने से आपका करंट रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होने से आपकी सारी वोल्टेज डिप वगैरह सब प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएगी। पांचवा मेथड जो है वो इन्होंने बोला है केवल स्लिप रिंग में ही एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि केवल स्लिप रिंग में ही आप एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, स्क्विरल केज में एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते। तो पांचवा मेथड क्या कहता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, कुछ नहीं है सेम वही तरीका है क्या रोटर रेजिस्टेंस, आप जब जैसे ही एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस ऐड करोगे होगा क्या रेजिस्टेंस ऐड करने से जो करंट है वो कम हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना कम। इसका एक एडवांटेज तो हमने रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने का देख लिया था कि स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर देता है, दूसरा एडवांटेज एक और आ गया कि आपका जो जो इनकमिंग करंट है जो स्टार्टिंग करंट है उसको भी कम कर देगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो स्टार्टिंग करंट कम हो गया, स्टार्टिंग करंट जैसे ही कम हो गया तो आपकी मशीन इजीली स्टार्ट हो जाएगी, वोल्टेज डिप नहीं होगा, और उसके बाद में जब आप एक बार रनिंग कंडीशन में आ गया फिर आप उसको शॉर्ट सर्किट करके, मैंने आपको बोला था कि रोटर रेजिस्टेंस हटा देते हैं, एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस को हटा दो आप ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और वापस से वो नॉर्मल तरीके से रन होने लग जाएगा। क्योंकि अब ये समझ में आ गया ये रोटर रेजिस्टेंस के क्या क्या फायदा है, एक तो वो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर रहा है और एक दूसरा स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस भी कर रहा है। तो जो स्टार्टर्स होते हैं आपको जो ये 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर ये वगैरह स्टार्टर में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो स्टार्टर्स होते हैं इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए वो स्टार्टर्स में हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, अब आप ये इनको खुद आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग वगैरह ये सब ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए ये स्टेटर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टिंग जो थी मैंने आपको बोला था स्टेटर साइड है ये थ्री फेज सप्लाई साइड है, इसमें हमने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस जोड़ दिया तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब जो मशीन में वोल्टेज आएगा वो ये रिड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, तो रिड्यूस्ड करंट आएगा, रिड्यूस्ड करंट आएगा तो सारी चीजें नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, यही देखो ये एक्सप्रेशन में बताया ये स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट का होल स्क्वायर इनटू आर टू होता है, और आपने बोला कि स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस कर दिया एक्स टाइम, सपोज रिएक्टेंस का क्रॉस एक्स टाइम्स ड्रॉप हो गया वोल्टेज का, तो एक्स टाइम्स वोल्टेज रिड्यूस हो गया तो एक्स टाइम करंट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हुआ और ये आपका स्टार्टिंग करंट भी एक्स टाइम रिड्यूस हो गया, सब चीजें नॉर्मल हो गई आपकी। ये होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ये स्टार्टिंग के समय भी ये देख लीजिए यहाँ पर रिड्यूस टू एक्स टाइम्स वी, वोल्टेज को एक्स टाइम्स वी कर देते हैं तो करंट भी एक्स टाइम्स स्टार्टिंग हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है। ये सिमिलरली ऑटो ट्रांसफार्मर भी जो वोल्टेज है ये ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया, ये थ्री फेज सप्लाई है इसमें से वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस वोल्टेज यहाँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई करते हैं और ये आपका हो जाता है। ये ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच नाम है होता है इसका, स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में रखते हैं और रनिंग कंडीशन में उसको डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर देते हैं ताकि वो ये, अब ये डायग्राम आप देख लेना इसका मेन जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, This is how it goes. और ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी कि कैसे रोटर रेजिस्टेंस ये इस तरीके से एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने से आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ योर इंडक्शन मशीन। एक इंडक्शन मशीन में स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।